स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबीसॉल में। आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। दिवाली के अगले ही दिन यानी कि आज ही 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस वर्ष का ये आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। अक्सर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि क्या ये सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है या नहीं, और क्या सूर्य ग्रहण देखने से आपके गर्भस्थ शिशु पर कोई हानि होगी या नहीं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाब सूर्य ग्रहण के बारे में देने जा रहे हैं। आज देश में दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन आज ही 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो देश के कई बड़े शहरों में दिखाई देगा। हर जगह इस सूर्य ग्रहण का समय भी अलग अलग होगा। पंचांग के अनुसार देश में आज 4:28 से शुरू होगा ये सूर्य ग्रहण और लगभग 5:30 पर समाप्त हो जाएगा, जिसे आंशिक रूप से देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, लोग इसे देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं। हालांकि कई बार इसे डायरेक्ट यानी कि नंगी आंखों से देखना हानिकारक भी साबित हो सकता है। अक्सर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण देखने से मना किया जाता है, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव मां के साथ गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु पर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। आइए जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी कैसी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि सूर्य ग्रहण की कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर और आपके गर्भस्थ शिशु पर ना पड़े। अमुक ज्योतिषाचार्य और अमुक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सूतक काल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के साथ हर किसी को इस समय कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के समय खास परहेज करने की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस व्यक्ति पर कैसा हो, यह स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खुद के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत अच्छी बनी रहे, इसके लिए घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर होगा, ऐसा माना जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्यों लोग सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माँ को घर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य की किरणें थोड़ी सी तेज हो जाती है। इसी दौरान अगर गर्भवती माता बाहर निकलती है तो माता को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं और वीकनेस भी आ सकती है। इसीलिए गर्भवती महिला में कोई भी शारीरिक कठिनाइयां ना आए, इसके लिए गर्भवती माँ को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। गर्भवती माँ की सेहत और गर्भस्थ शिशु की सेहत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इसीलिए सूर्य ग्रहण की सीधी असर बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अमुक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से भी बचना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण के दुष्प्रभाव से खाना भी दूषित हो सकता है। बेहतर है कि भोजन में तुलसी की पत्तियां गंगाजल पहले ही मिला लें। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब सूर्य ग्रहण होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी के दौरान जो भोजन होता है वो बासी हो जाता है। ऐसा बासी भोजन अगर गर्भवती माता करती है तो अपनी सेहत और शिशु की सेहत को हानि पहुंच सकती है, इसीलिए ग्रहण के दौरान बासी भोजन ना करें। यदि आप गर्भवती है तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कैंची, चाकू, छुरी आदि चीजों से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको सिलाई कढ़ाई भी ना करें, ऐसा भी कहा जाएगा, क्योंकि सुई का भी इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। इसका यूज करने से बच्चे पर नकारात्मक असर होता है, ऐसा आपको कहा जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप सूर्य ग्रहण के दौरान चाकू छुरी का यूज करेगी तो हो सकता है कि ये आपके हाथ पर लग जाए और आपको हानि पहुंचे, इसलिए आपको चाकू कैंची का यूज करने से मना किया जाता है। आपको सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण देखने से भी बचना चाहिए, इससे सेहत पर नकारात्मक असर हो सकता है। सूर्य ग्रहण की किरणें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे में घर की खिड़कियों को भी बंद करके रखें।
जैसे कि हमने पहले ही बताया कि सूर्य ग्रहण की जो किरणें होती है वो तेज होती है, इसीलिए आपको सीधे ही सूर्य ग्रहण की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर आप आपकी नंगी आंखों से सूर्य की ओर देखेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी देर के लिए अंधकारमय हो सकती है, क्योंकि इनकी किरणों की वजह से आपकी आंखों के जो पर्दे होते हैं वो थोड़े से डैमेज होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखने के लिए मना किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गर्भवती माता को दोपहर में ना सोने की सलाह दी जाती है और हनुमान चालीसा और दूसरे धार्मिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। इससे नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही दूर हो जाती है। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करने की सलाह दी जाती है। अगर आप गर्भवती है तो आपको दोपहर के समय कोई भी दिन नहीं सोना है। इसी में अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो बिल्कुल भी आपको नहीं सोना है। आपको आपके बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए हर रोज धार्मिक किताबें पढ़नी है। अच्छी अच्छी पुस्तकें भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपके और आपके शिशु के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। हो सके तो इस ग्रहण के दौरान दोपहर के समय आप आपके बच्चे के धार्मिक विकास के लिए अच्छी अच्छी किताबें जरूर पढ़ें और कोई भी अंधश्रद्धा वाली बातें ना सुनकर आपके और आपके गर्भस्थ शिशु का ख्याल जरूर रखें। ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर हो सकता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर जरूर हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे पर इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा। आशा रखते हैं आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।